आजकल हमारे विद्यार्थी रात को 10 बजे बाद जगते हैं दो चक्कर में। पहला चक्कर है उनके मोबाइल का, दिन रात मेरे भाई बहन मोबाइल खेलते रहते, दिन रात मोबाइल खेलते रहते हैं। बताओ ये मोबाइल खेल के आप लोगों को क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो खेलते क्यों हो? इस मोबाइल को क्यों चलाते हो दिन रात? और जितना भी हमारे इस समय वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली का नुकसान हुआ है, वो सारा का सारा मोबाइल के कारण ही हुआ है। विद्यार्थियों को विद्यार्थी अवस्था में, बाल्य अवस्था में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये मोबाइल आपके लिए जहर का काम कर रहा है, स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। इस समय मोबाइल मिसाइल का काम कर रहा है, बहुत बहुत बड़ा ही अस्त्र शस्त्र है मोबाइल। इस मोबाइल के चक्कर में आप लोगों ने अपने सारी जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मोबाइल के कारण हम लोग झूठ बोलना सीख गए हैं। रहते हैं हम 20 किलोमीटर मोबाइल पर, कहते कि 1 किलोमीटर दूर बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं, तो 19 किलोमीटर चक्कर कौन काटेगा भाई? तेरा बाप काटेगा। दूसरा, मोबाइल के कारण हम लोग अपने अपनों से ही दूर हो रहे हैं। सामने हमारे अपनी माँ बैठी है, पिताजी बैठे, दादी जी बैठे, उनसे तो बोलने की हमको फुर्सत नहीं है, और मोबाइल में ऊपर नीचे कर रहे हैं। सात समुंदर पार, जिसको ना हम जानते हैं ना पहचानते, ना जिसका आचार हमको पता है, ना व्यवहार पता है, ना विचार पता है, उनसे हम बातें करने में लगे हुए। बोलो क्या मिल जाएगा आपको उससे बातें करने में? मोबाइल के कारण मेरे भाई बहनों तीसरा नुकसान हो रहा है हमारा, कि हमारे अंदर के भीतर का इंसान मरता जा रहा है। हमने बहुत सारी जगहों पर देखा, एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वहीं से शूटिंग करवा करके भिजवाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर चढ़ाते हैं। भैया तो शूटिंग नहीं लेता, कम से कम उसके प्राण तो बचाने के लिए वहां जाता, कम से कम अंतिम समय उसको पानी तो पिला देता। तुझे फेसबुक पर लाइव दिखा करके या यूट्यूब पर लाइव दिखा करके कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? इस मोबाइल के चक्कर में मेरे भाई बहनों कितनी तो सगाइयां टूट गई है। शादी होने से पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते ना जो माँ बाप, वो कितना नुकसान कर रहे बच्चों का आपको पता है? हिंदुस्तान में आए दिन जो सगाइयां टूट रही है, इसके पीछे कारण भी यही है, मोबाइल। एक एक मिनट की मेरे भाई बहन, ये खाया क्या, वो खाया क्या, ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या, तेरा घर कैसा है, ये घर कौन सा है? पुराने जमाने में मोबाइल नहीं थे तो क्या सगाइयां नहीं होती? तो क्या शादियां नहीं टिकती? तो रास्ते और अच्छी टिक जाती थी शादियां। जब से मोबाइल आई है ना, तब से मेरे भाई बहन इस दिन सगाई करो, और मेरे भाई बहनों 2 साल में भी सगाई टूट जा रही है, मोबाइल के कारण हो रहा है। पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं थे तो सगाइयां 10-10, 20-20 साल भी रह जाती थी। आज तो सगाइयां 6 महीने भी रहने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल आ चुके हैं, दिन भर बातें, दिन भर बातें। दूसरा, काम धंधा ही छोड़ दिया। इस मोबाइल के कारण हमारे शरीर का नुकसान हुआ है, साइटिका की बीमारी लग गई, नर्वस सिस्टम खराब हो गया, आंखें खराब हो गई, दिन भर गर्दन पीछे, नाड नीचे, दिन भर मुंडो नीचे डालन रखे। तो मेरे भाई बहनों बताओ नुकसान होगा कि नहीं होगा? दिन भर उसी मोबाइल के चक्कर में लगे रहते। इस मोबाइल के कारण मेरे भाई बहनों हम लोगों को मोबाइल फोबियो नाम की बीमारी हो रही है। आए दिन हम लोग चेकिंग करते हैं मोबाइल, बिस्तर से ही चेक करते किसने मैसेज भेजा क्या। आंख खोलते वक्त परमात्मा का स्मरण करना चाहिए मेरे भाई बहनों। आंख खोलते हमको मोबाइल दिखता है, हम मोबाइल की साइट ओपन करते हैं, पता नहीं इसमें दिन भर की जो जो गंदी गंदी बातें होती वो दिखाते हैं। सुबह होते ही हमारे आंखों के सामने वो गंदी गंदी बातें आ जाती है। कितने नुकसान है इस मोबाइल के। इस मोबाइल के कारण तो मेरे भाई बहनों बहुत सारे बच्चे पागल भी बनते जा रहे हैं। आजकल कुछ गेम चल रहे हैं, क्या कहते उसको, हाँ बच्चे बोल गए, मतलब यहां भी सारे बच्चे उसी में लगे हुए हैं, पबजी और भी ब्लू व्हेल। पता है आप लोगों को 2018 में और 19 में कम से कम 1000 बच्चों ने पूरे विश्व भर में इस ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में और पबजी गेम के चक्कर में सुसाइड की, आत्महत्या की है। बच्चे पागल होते जा रहे, दिन भर वही देखते और दिन भर वही खेलते हैं। इसके कारण मेरे भाई बहन वो बच्चे वैसी एक्टिंग करते हैं, कहीं घुस जाते हैं, कहीं रिशुम 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 करते हैं, बंदूक चलाते हैं, ऊपर से नीचे कूद जाते, कुछ कुछ बच्चे तो छत से नीचे कूद गए और मर भी गए, कुछ कुछ बच्चे पानी की टंकी में कूद गए। तो बोला नुकसान हुआ कि नहीं हुआ?
अभी अभी मेरे भाई बहनों 7-8 दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी कि हिंदुस्तान के बच्चे सोशल साइट्स में पोर्न साइट्स ज्यादा देखते हैं जिसमें अश्लील वीडियो दिखाए जाते हैं। तो बताओ मेरे भाई बहनों, जिस हिंदुस्तान की संस्कृति राम और श्याम की संस्कृति थी, वहां पर बच्चे दिन रात पोर्न साइट्स देखते रहते हैं, मतलब दिन रात मेरे भाई बहन अश्लील वीडियो देखते रहते हैं। तो बोलो, बच्चों के संस्कार बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो या अपने आप से प्रेम करते हो बच्चों, तो मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, आप दुनिया में बहुत उन्नति करोगे। अब आप कहोगे कि हम टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएंगे तो उन्नति कैसे कर पाएंगे? मेरे भाई बहनों, आपको मैं दो शख्सियत बताती हूँ, एक राजवर्धन सिंह राठौड़ और दूसरे मैकेले। इन दोनों का इंटरव्यू छपा था अखबार में। एक तो राजवर्धन सिंह राठौड़ जो पिछले सरकार के समय में कैबिनेट मंत्री रहे, और मैकेले जो अमेरिका की डांसर और सिंगर है, इन दोनों का इंटरव्यू छपा था। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट की थी कि हम हमारे बच्चों को मोबाइल प्रयोग नहीं करने देते हैं। बहुत आवश्यक काम हो तो हम उनसे साथ खेल जाते, उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों को मोबाइल का प्रयोग नहीं करने देते हैं। और आने वाले समय में मेरे भाई बहनों, वही लोग उन्नति कर पाएंगे, वही लोग शिखर तक पहुंच पाएंगे जो मोबाइल नहीं रखेंगे। इस मोबाइल ने हमारे जीवन का बर्बाद करके रख दिया। इस मोबाइल के कारण मेरे भाई बहनों कितनी सारी मौतें हो गई। लोग मोबाइल चला करके गाने सुनते हैं, ईयरफोन डाल करके, और गाड़ी चलाते जाते पीछे से हॉर्न आता है, कोई सुनता नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। कितने सारे नुकसान है मेरे भाई बहनों इस मोबाइल के, गिनाने बैठे हो तो पूरी रात हो जाए। इसलिए मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में मोबाइल निकाला था वैज्ञानिकों ने कि मोबाइल हमारे हाथ में रह सके मेरे भाई बहनों, लेकिन सच्चाई ये है कि आज मोबाइल हमारे हाथ में नहीं है, हम मोबाइल के हाथ में चले जा चुके हैं। इसलिए बहुत आवश्यक हो तो कोई SMS कर सकते हो या कोई टाइम फिक्स कर लो कि दिन में आधा घंटा या 15 मिनट हम मोबाइल पर देखेंगे, कुछ हमें आवश्यक जानकारी